नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सो आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर संबंधित है माधोपुर चतरी पंचायत से, जो कि सीतामढ़ी जिला में है और बाजपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण, यहाँ कई सारे युवा भी हैं, और आज हम इन लोगों से बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। पंचायती राज व्यवस्था जो कि 20 वर्ष बेहतर काम किया मुझे अपने इस बिहार में, हर 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन हुआ, साथ ही साथ सरकार ने योजनाएं भेजी, कितना विकास हुआ इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है, ग्राउंड से सीधा अवलोकन है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आशा रखते हैं कि आप हमारे दर्शकों में, चूंकि अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो इस माधोपुर चतुरी पंचायत की जो बातें अभी सामने आ रही है लोगों के माध्यम से, इसको और पंचायत को बेहतर बनाने के लिए आप इनकी बातों को लेकर काम भी करेंगे, हमारी आशा है। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं, हमारे साथ हैं अनिल जी, जो कि इनकी माताजी पिछले बार मुखिया के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आई थी, और आज हम इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति है। साथ ही साथ अनिल लोगों अन्य लोगों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले बार चूँकि माता जी आपकी मुखिया के कैंडिडेट रही हैं, बड़ा कम अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा, कितना बेहतर विकास हुआ 5 वर्ष में अगर कहें तो? जो भी 5 वर्ष बीती, वर्ष जो बीता है 5 साल, उससे तो मुखिया जी क्या किए हैं वो तो सभी जानते ही हैं। हमारे यहाँ 2 नंबर वार्ड में आज तक नल जल योजना का फाइनल नहीं हुआ मुखिया जी के रीजन में जी। और जो भी नली गली है, जितना भी है, बहुत सारे सड़क ऐसा है कि अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। तो यही सब स्थिति है हमारे पंचायत का भी फिलहाल। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब समस्या जो देख रहे हैं, तो खैर एक आपने बताया कि यहाँ पर नल जल योजना नहीं हुआ, व्यक्तिगत लाभ वार्ड में आज तक क्लियर नहीं हो सका है। इसका पूरा फाइनल पेमेंट भी हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, आज तक फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, उसमें दो रोड ऐसा है जिसमें 3.5-3 लाख का चेक भी कर चुका है, रोड का ईंटा उखाड़ दिया गया, बल्कि आज तक कोई PCC भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बताइए कि इन सारी समस्या को लेकर आप चूँकि विपक्ष में हैं, जानते हैं अनुश्रवण समिति में, मतलब आपकी माता जी जो हैं अनुश्रवण समिति में भी हैं, और निगरानी कुछ करने को लेकर आप कानूनी अधिकार भी है आपको विपक्ष होने के नाते, तो आप लोगों ने निगरानी नहीं किया, समस्या को लेकर बात नहीं बढ़ाई आगे? समस्या तो कई बार जो 8 सदस्य उनको नोटिस भी कराया गया, सब कुछ कराया गया, बल्कि उसका कोई भी आज तक निराकरण नहीं निकला है, जैसा तैसा ही है। जब भी उस पर कड़ाई होता है तो कुछ काम करते हैं, फिर उसके बाद अधूरा पड़ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि इतनी समस्या है तो जनता के बीच में भी आप जाकर इसके बारे में बोले हैं लोगों को जागरूक होने के लिए? पंचायती राज व्यवस्था में, तो पंचायती राज व्यवस्था में तो इतना पावर है कि अगर मुखिया जी काम नहीं करें तो उनको लौटा लिया जाए। उस वार्ड के जनता तो कह ही रहा है, कंप्लेन करवे किया, बल्कि अगला प्रक्रिया होगा तब तो। तो ये समस्या है। अन्य योजना के बारे में क्या कहेंगे जिसमें व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिलता है, जैसे कि आप आवास योजना हो गया, आपको राशन कार्ड की व्यवस्था है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इस सब की क्या स्थिति है? हमारे मुखिया जी कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं, डायरेक्ट यहाँ के जो भी हैं सहायक इंदिरा आवास सहायक डायरेक्ट डीलिंग करते हैं तो करते हैं, बल्कि हमारे मुखिया जी को कोई मतलब इस सब से नहीं है, और ना ही कभी जनता को इस मामले में बात सुनते ही है। हमारे का हरजन जितना भी है, किसी का आवास आज तक मिला ही नहीं है 5 साल का रीजन में मुखिया जी का रीजन में। अच्छा, ये विरोधी के नाते आप बोल रहे हैं कि सामाजिकता के नाते बोल रहे हैं? सामाजिकता के नाते बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के जितना भी हरजन है पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं, हमारे जहाँ खड़ा है हरजन माला है। चलिए, तो ये यहाँ की स्थिति है और ये लोग बता रहे हैं कि लोगों को मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन हम जरूर दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप भी चूँकि क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपना कमेंट भी जरूर करें कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है माधोपुर चतुरी पंचायत में बाजपट्टी प्रखंड के अंतर्गत, कितना काम हुआ है जरूर बताएंगे। हम आपके पास आते हैं लेकिन 2 मिनट का समय और हम लोगों से भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? यहाँ कम नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राहुल शाह। राहुल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही माधोपुर चतरी। अभी जो इन्होंने बात बताई अनिल जी ने, कितना सहमत है आप इन बातों से? इन बात से तो हम सहमत है, लगभग 85% बात सब सहमत है। हाँ, तो यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ में नहीं हो पा रहा है। जिसको मिलता है उसको मिलता है, जिसको नहीं मिलता नहीं मिलता। हम लोग बाहर रहने वाला आदमी, आज तक कोई फंड नहीं मिला हम लोग को, कोई साधन ही नहीं मिला हम लोग को, कोई सुविधा ही नहीं मिलता है। तो आप युवा भी हैं तो इसको लेकर आप लोग भी जागरूक नहीं है कुछ इस पर? जागरूक हैं लेकिन हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, जागरूक है हमारे माँ बाप रहते हैं, सब रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जागरूक हैं कि हम किसको बोलने जाएं बताइए। वार्ड नंबर 5 मुखिया को बोलते हैं तो बोलता है कि हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हम लोग 10-15 दिन रहते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं, फिर जस के तस ही रहता है।
चलिए, तो आपके नज़र में कैसे निदान निकलेगा? निदान निकलेगा वही कि जैसा आप नेता लोग जैसे करें, आप कोई सहमत होंगे तब अच्छे निदान निकलेगा, अच्छे नेता आएंगे तो अच्छे विकास होगा पंचायत का। मतलब चुनाव में बेहतर उम्मीदवार का चयन होगा तब बेहतर निदान निकलेगा निकलेगा गाँव का। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने भी वही बात बताई है, और सारे लोग भी हैं यहाँ पर जो कि जिनसे हम बात करिए जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। आपका शुभ नाम बताइए, आपका शुभ नाम बताइए थोड़ा सा। जी क्या नाम है? रंजन शाह जी। रंजन जी, अच्छा एक बात बताइए रंजन जी, इन लोगों ने जो बात अभी बताई है कितना तक सहमत है आप? क्या काम नहीं हुआ यहाँ? यहाँ काम कुछ नहीं हुआ हुआ है, कुछ बहुत काम यहाँ हमारा दो एक नंबर वार्ड है, दो नंबर वार्ड है, तीन नंबर का वार्ड है, तीन नंबर में तो हमारा साफ ही काम नहीं है। थोड़ा बहुत अभी इधर 10-15 दिन हो रहा है कि ढलाई हुआ है रोड का, सिर्फ यही इतना ही काम हुआ है। देखिए हम जो बोल रहे हैं, हमारे घर में खुद हम तीन भाई का भैयारी है, लेकिन हमारे पास एक ही राशन कार्ड है। कितना बार हम जो मुखिया जी के पास गए अति किए, लेकिन कोई हमारा नहीं। हमारे घर में माँ भी एक बूढ़ी है, न कोई वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न कुछ हो रहा है, न उनके पास हमारे माँ के पास राशन कार्ड है, नहीं हमारे भाई सब लोग के पास राशन कार्ड है। तो एक बात बताइए, इस तरह की समस्या है तो कब मिलेगा ये सब चीज़? अब देखिए वो तो समाज वो ग्रामीण जो जो मुखिया जी है वही सब लोग ना करेंगे, ये लोग हम लोग तो जाते हैं उनको बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं कि हो जाएगा। अच्छा एक 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 बात आप बताइए अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे चूँकि आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बताया अभी तक इनको राशन कार्ड नहीं मिला, इनके माता जी को पेंशन नहीं मिल रहा है, इनको और सारी दिक्कत है, तो इसका निदान कैसे निकलेगा? अभी मान जो कहें समस्या, अभी जो वर्तमान मुखिया उनका जवाब तो वही ना देंगे, हम तो नहीं दे सकते हैं ना। सेकेंड स्थान पर आपकी माताजी हैं तो कुछ तो बताएंगे। ठीक है हम इनको सहयोग करेंगे, बल्कि करना तो उन्हीं को है, क्या सहयोग जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा उतना इनको जाएंगे, हमारे पास आएंगे तब तो ये भी जान नहीं कि हारे हुए हैं, इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं। जो वर्तमान मुखिया उनके पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा। अच्छा एक बात और बताइए, हम सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, देखिए सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग शांति से सुने, जब अभी समस्या की बात जब होती है समाधान की बात भी हो रही है, तो आप लोग युवा हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, अच्छा मनीष जी एक बात बताइए, सरकार जो योजना भेज रही है या किसी भी माध्यम से पैसा भेज रही है, वो पैसा सरकार के यहाँ कैसे जाता है? ध्यान से सब लोग सुनिएगा क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कैसे। मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है? किन्हीं को पता है कि सरकार के यहाँ पैसा कैसे जाता है, इसके कोई जानकारी रखते हैं? कोई आप लोग आप जानते हैं? चलिए आप बताइए कैसे जाता है पैसा। जनता का पैसा जाता है सरकार के पास, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी लोग भरते हैं, वो पैसे जनता को होते हैं, वो सरकार को दिया जाता है। जैसे 2 रुपया सरकार ने जनता ने दिया तो उसके सरकार 4 रुपये बनाकर जनता के पास भेजते हैं। अच्छा सुनिए एक बात और ध्यान दीजिए इसमें। अच्छा एक बात बताइए, रुक जाइए आप इधर बताइए, एक गरीब आदमी जिनको हम कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले आदमी, क्या वो सरकार को सहयोग देते हैं? क्या वो सरकार को पैसा देते हैं? ये क्या बता रहे हैं? ये सही सरकार को देते क्यों नहीं है? वो नहीं खरीदते हैं, राशन कहाँ से खरीद के खाते हैं, क्रीम कहाँ से लाते हैं, साबुन तेल कहाँ से खरीद के खाते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है, वो गरीब आदमी टैक्स नहीं देते। इनके लिए ताली बजाइए, कितना सुंदर जवाब दिए हैं। देखिए तो शैम्पू तेल साबुन सब चीज खरीदते हैं, टैक्स देते हैं? हाँ टैक्स देते नहीं, मतलब गरीब आदमी भी पैसा देते हैं? हर गरीब आदमी भी देते हैं, एक भीख मांगने वाला भी वो टैक्स देते हैं सरकार को। चलिए अनिल जी इनके बात से कितना सहमत है आप? बहुत अच्छा है जो बोले, इसके बात से बहुत सारा सहमत है। सहमत है ना? आप कितना सहमत है? हम भी सहमत है। आप भी सरकार को पैसा देते हैं? हम लोग भी देते हैं। देते हैं ना? देते हैं। तो इस सरकार के जो पैसा है आप भी देते हैं पैसा सरकार को? सहमत है ना? देते हैं ना? पक्का ना? पक्का देते हैं? लेते हैं? हाँ देते हैं। ठीक है तो इस तरह से देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा सारे लोग सहमत है ना? कोई ऐसे लोग है? आप समझ गए कैसे होता है? जी समझ गए ना जी। अच्छा एक बात बताइए, जब आपका पैसा सरकार को मिलता है तो उसका निगरानी तो करना चाहिए ना? हम कैसे कर सकते हैं निगरानी? नहीं कर सकते हैं। कितना उम्र है आपकी? 17 है अभी। अच्छा चलिए, कुछ नहीं है, इसका वर्चस्व उसी के काम होता है। अभी सुनिए मिसाल देते हैं, एक वार्डो मेंबर होता है ना, अगर किसी का इंदिरा आवास दूसरे का पास हुआ है, अगर अपने दयाद में कोई चढ़ जाता है कि नहीं हमारा करवा दो, तो उसका नाम नीचे चला जाता है, उसका नाम ऊपर चला जाता है। हाँ अभी हुआ है। चलिए हम मान रहे हैं हम आपकी बात, अब इसका निदान कैसे निकलेगा? आपका पैसा है, सरकार आपके यहाँ भेज रही है और आप लोगों को मिल नहीं रहा है, तो कैसे निदान निकलेगा? हम चौपाल में पूछना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन जो भी व्यवस्था है, वो नेता और पब्लिक सब मिलकर निदान करेगा, तभी होगा निदान। आप कम से कम अपना स्तर से? नहीं हाँ। हमारे स्तर से कुछ नहीं, हमारे हाथ में क्या, हम तो एक वोट दिए, हो गया हमारा काम खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप एक काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं तो आपको पैसा के चूसने के लिए किसी मीडिएटर के द्वारा काम करवाने के लिए आपको आज कल टालता रहता है। देखिए अब हम आपको कहना चाहेंगे कि आज
जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लोगों की समस्या है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सारे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं उनसे काम कराना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को, सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आज भी रास्ता आपके हाथ में है। सबसे पहला तो है कि आप बेहतर उम्मीदवार का चयन करें। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा वोट, वोट जो आपका अधिकार है, जो विशेष अधिकार है, अपनी स्वेच्छा से बेहतर को चुनें, जिससे कि बेहतर प्रतिनिधि आपके साथ हो जाएंगे। सुनिए, सही आदमी का चुनाव करने वाला जो वोटिंग करता है ना, सही आदमी का जनसंख्या कम है, गलत आदमी जनसंख्या ज़्यादा है, गलत आदमी गलत का ही सपोर्ट करता है। कल मान लिए चुनाव है, आज रात में दारू, आजकल अपने यहाँ हमारे यहाँ देख रहे हैं पन्नी में दारू बहुत बिकता है, समझ रहे, लोकल दारू जो चुनाव के मुद्दा पे लेकर जा रहे हैं आपको हम, चुनाव के मुद्दा पे। कल इलेक्शन अगर है, मुखिया का हो चाहे विधायक का हो चाहे किसी चीज का हो, तो रात में मतलब दिन में कुछ खिला देगा, रात में सबके घर दारू पहुंचा देगा, तो उसके यहाँ एक वोट आता है। आदमी का जमीर मरा हुआ है, जब तक जमीर को नहीं जिंदा करेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए आपका शुभ नाम एक बार बताया जाए। राम कुमार मंडल जी। मैं राम कुमार मंडल जी आप ही को कहने वाला हूँ। देखिए सारी समस्या हम लोग देख रहे हैं, लेकिन समस्या जब जब आज अगर आप किसी लोभ में, मोह में, डर में, भय में अगर किसी प्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो प्रतिनिधि पैसा लेता है आप ही के यहाँ से, लोगों को से निकाल कर लेता है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो पैसा आपसे कोई अगर दे रहा है, इसका मतलब तो आप ही का पैसा लेकर ना देता है आपको। हमारा पैसा ही हमको लालच दे देता है, 5 साल लूटता है। तो अब क्या करना है, देखिए जनता के हाथ में भी है। प्रतिनिधि है मुखिया में खड़ा होने वाले, इनसे ही बात कीजिए। नहीं जरूर, देखिए खैर हम सामाजिकता के नाते भी हम बात कर रहे हैं, और लोगों को देखिए मेरा काम है जो बताना, जो सूचना लेना, साथ में जागरूकता भी। आप एक बात बताइए कि जागरूक होने के लिए जनता जागरूक होगी तो निदान निकलेगा ना। अगर अगर आप दारू लेकर के नहीं, अगर आप पैसा लेकर के वोट नहीं करें, लोग अगर नहीं करें, तो निदान निकलेगा ना, निकलेगा। और वही एक रास्ता है ना, वही एक रास्ता है। तो इसीलिए जरूर कहना चाहेंगे कि अब आने वाला चुनाव है, और इस चुनाव में बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, और खुद को साफ करना पड़ेगा, फिर समाज में गंदगी साफ होगा, मतलब सही रास्ता लोग जाएगा, जिसका जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। कम से कम आपसे संकल्प लेंगे, आप तो किसी लोभ मोह में वोट नहीं करेंगे। कभी लिए नहीं है, नहीं लिए है ना, इस बार लेने का कोई कार्यक्रम है? अभी कोई उपाय नहीं है। चलिए अभी ऐसे ईमानदारी से करेंगे। चलिए हम और लोगों से पूछ लेते हैं। देखिए अच्छा एक बात बताइए, आप ईमानदारी से वोट करेंगे इस बार? वोट तो करवे करेंगे। कोई लोभ मोह अधिकार है, कोई लोभ मोह डर भय का, क्या चीज का डर भर है? खाए पी करके लोग वोट कर देता है, करता है। 99% कहावत है, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। ठीक है, तो देखिए 100 में 80 बेईमान है, फिर भी 20% बात करते हैं। आप ईमानदार है ना? हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं ईमानदार हूँ। आप वोट कितना? वोट तो मेरा अधिकार है, मैं दूंगा। आप वोट देंगे तो बिना लोभ मोह से देंगे कि लोभ मोह से देंगे? बिना लोभ मोह का वोट देते हैं हम। चलिए धन्यवाद आपका। इस तरह से सारे लोग, कोई ऐसा लोग है जो कह रहे हो कि नहीं लोभ मोह के बाद हम देंगे, पैसा लेकर देंगे? आप पैसा लेकर दीजिएगा। नहीं, चलिए आप वोट देंगे हम लोग। चलिए तो इस तरह से मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। अनिल जी देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा आप उम्मीदवार के रूप में इस बार रहेंगे। जी जी, इन्होंने जो बात बताई सभी लोगों ने, समस्या इनका निदान निकलेगा, कुछ है कुछ? ऐसा ही हमारा पलंगिया है। जब हम जनप्रतिनिधि बन करके आएंगे, चुनाव जीत के आएंगे, तो जनता का ही सेवा करेंगे। जनता सेवा करने का मेरा लक्ष्य भी है, और इससे आगे भी किए हैं, फिर करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, ऐसे एक बात बताइए, आप इस बार उम्मीदवार रहेंगे, आपके परिवार से कोई अगर उम्मीदवार होते हैं, तो क्या वादा कर रहे हैं लोगों को? अगर उम्मीदवार बनेंगे तो सब समस्या का निदान निकलेगा? निश्चित रूप से पूरी प्लानिंग तैयार है। अगर बाद में जाकर मुकरते हैं और आप भी उसी तरह करते हैं, तो सवाल पूछा जाएगा आपसे? हाँ, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा। जनता मालिक होते हैं, कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। जी जी बताइए। यहाँ जिसके पास आँख है ना, उसको बहन जो विकलांग का पैसा मिलता है, अजी बता घता है ना, उसको साला विकलांग का पैसे नहीं मिलता है, बताइए। चलिए हम इस पर आते हैं, और ये सारी बात हम बात को पहले बता दिए। बहुत ऐसे लोग अजी आँख से दिख रहे हैं, सरकार उनको वृद्धा पेंशन दे रहा है, वो खा रहे विकलांग में पैसा, जो भी बता है उसको पैसे नहीं मिलता है, विकलांग 1 रुपये नहीं मिलता। साला हम 10 चक्कर पंचायत मुखिया सबके पास दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरा काम नहीं कोई करा रहा है। चलिए हम आपकी बात लेकर के अपनी चौपाल में रखे हैं, और देखते हैं, हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप सभी इन समस्या को देखें समझें, और शब्द जो चयन करने में गांव ग्राम में तो आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि इन्होंने अपनी बात रख दी है, कोई अपनी बात रखने में कोई एक शब्द आगे पीछे कहे होंगे, तो जरूर के जरूर आप उसको इग्नोर करेंगे और भावना पर जाएंगे। लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे, माधोपुर चौधरी पंचायत के समाधान में आप लोग अपना सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं दस जरूर कहना चाहूँगा कि आगे भी यदि अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं, तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास आएगी, और आपके विचारों को भी चौपाल के माध्यम से देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
आपका भी धन्यवाद। दर्शकों अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे इसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, कैमरा पर्सन धीरेंद्र कुमार के साथ चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।